रख विश्वास तू है शिव का दास। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और इंटरवल जो है वो हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। हालांकि बहुत सारी गालियाँ हैं मन में देने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए। छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इंटरवल हो चुका है, मूवी स्टार्ट होने वाली। इतनी कैची, इतनी एंगेजिंग, इतनी फास्ट पेस है। हालांकि हमेशा की तरह जो है वो मुझसे एक बार फिर से थोड़ी सी मूवी लेट हो गई। मैं हमेशा की तरह इस बार फिर भी लेट पहुंचा, क्योंकि जिस दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है उस दिन मैं लेट पहुंचता हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड अभी तक का। तो एक गाना निकला था जो हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्यारे सिंगर है, जिन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू उस मूवी के माध्यम से किया है, बाबा हंसराज रघुवंशी। उनका सिर्फ एक गाना निकला था, उसके अलावा और भी ऐसा कुछ मिस नहीं हुआ था। लेकिन जहाँ से मूवी ने स्पीड पकड़ी, जिस स्पीड में मूवी चली है, मुझे लगा ही नहीं कि कहीं मूवी ड्रैग कर रही है, कहीं मूवी बोर कर रही है। और हमारे उज्जैन की शूटिंग है, इंदौर की शूटिंग है, तो कई सारे लोग ऐसे थे, पूरा हॉल जो है वो फुल था। आप देखेंगे अभी क्राउड दिख रहा होगा, पूरा हॉल जो था वो बुक था, सीटियाँ तालियाँ। कई लोग तो महाकाल के, सिर्फ महाकाल के जो है वो दर्शन करने आए हैं, सिर्फ महाकाल के दर्शन करने। उन्होंने एक दर्शन मात्र मिले और वो वहाँ से निकल गए। किसी ने भस्म आरती देखी, वहाँ से निकल गए। किसी ने मतलब हंसी भी उड़ाई उन सारी चीज़ों पे, जिस मूवी का टॉपिक है उन सारी चीज़ों पे। वो सारी डिटेल रिव्यू में बात करेंगे। अभी मेरा शो जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। ये थिएटर से छोटा सा एक रिएक्शन था। मूवी मस्ट वॉच है। आप जाएँ, अपने बच्चों के साथ जाएँ, अपनी फैमिली के साथ जाएँ। स्पेशली लड़के अगर आपकी फैमिली में हैं तो उनको लेके ये मूवी जाएँ। जो टीनेजर्स हैं उनको लेके तो कम से कम ये मूवी जाएँ। जिस तरह से पैडमैन आप देखने गए थे, जब अपील की गई थी कि सारी लड़कियों को ये मूवी देखना चाहिए, ऐसे मैं बोलता हूँ जितने भी टीनेजर यंग बॉयज़ हैं उनको ये मूवी जरूर से देखनी चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे डिटेल रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।